सर को पता है सर एप्लीकेशन में सर आपको भी पता है कि ये रांची विश्वविद्यालय झारखंड की सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, ये हम सभी छात्रों को पता है। ठीक बोल रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, ये ज्ञापन मैं आपको ज्ञापित तो करूंगा, लेकिन मैं आपको एक मौखिक रूप से भी समझा दूं कि विभिन्न कॉलेज से छात्र छात्राएं आए हैं, उनको क्या क्या परेशानी आ रही है। तो सर रांची विश्वविद्यालय जो 21 से 24 छात्र छात्रों के परेशानी के संबंध में जो सेमेस्टर 5 की जो तिथि है, जो मारवाड़ी कॉलेज का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, आप यहाँ बुला लीजिएगा तो हम रिजल्ट कैसे प्रकाशित करेंगे बताइए। ये विश्वविद्यालय की रिजल्ट प्रकाशित किए बिना फॉर्म कैसे भराने लगा सेमेस्टर आप रिजल्ट नहीं दिए तो हमारा फॉर्म कैसे कर रहे हैं। एग्जाम का डेट निकाल दिया है, टैली कर रहा है, 18 से लेकर 23 तक हो रहा है, जो 18 से हो रहा है उसको पहली बात उसको डेट को अलग से शिफ्ट किया जाए, या आप 27 से लीजिए 28 से लीजिए उसके बाद। जिसका रिजल्ट आया 75% बच्चे फेल है, उसमें भी मेरी कहानी क्या, जो प्रमोटेड है वो फेल है और प्रमोटेड पास है। सर सबसे पहला चीज तो क्वेश्चन चेंज हुआ था सर, मारवाड़ी कॉलेज में ही एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम था और क्वेश्चन बांटा गया था बिजनेस मैनेजमेंट का। सर को पता है एप्लीकेशन दायर हुआ है ना सर को पता है। इस बार सेमेस्टर 4 का कॉपी को हजारीबाग चेक करने के लिए भेजा गया विश्वविद्यालय द्वारा, क्या कारण था? इस विद्यालय के पास पदाधिकारी का कमी था, कॉपी चेक करने वाला टीचर का कमी था, जो हजारीबाग भेजा गया। यहाँ आराम से कॉपी चेक होता था, रिजल्ट भी समय से प्रकाशित होता था, सब कुछ होता था। 40 लाख रुपया दिया गया इस विद्यालय प्रशासन द्वारा, 40 लाख रुपया लगाया गया कॉपी चेक करने में, हजारीबाग भेजा गया कॉपी चेक करने के लिए, और उसका नतीजा यह है जब रिजल्ट आ रहा है तो विश्वविद्यालय के 80% से ऊपर छात्र छात्राएं फेल है, सभी कॉलेजेस के, खाली एक कॉलेज के नहीं सब कॉलेज में। क्या जरूरत है सर, जैसे सर आपसे मांग करते हैं, पुरानी व्यवस्था थी उसको बाहर किया जाए, जब सर यहाँ होता था सभी सब ठीक था, बाहर भेज रहे पैसा भी अधिक खर्च हो रहा है, क्या जरूरत है सर विश्वविद्यालय का पैसा बर्बाद करने का? और विश्वविद्यालय अपने क्या जरूरत है सर? चलो इसमें सर अगले बार से यही व्यवस्था हम आपको करना पड़ेगा, हजारीबाग भेजिएगा तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। और एग्जाम होने के बाद उसका एग्जाम कराया, अधिकतर लोग कहते सर पैसा लेकर, मान लीजिए कोई अगर फेल कर रहा है तो पैसा लेकर के पास में जाता है, फॉर्म में इसलिए बोला था कि ये क्लियर सर जाने के लिए बच्चा रहेगा वो पैसा लेकर पास में फॉर्म भरने जाती है सर, गरीब बच्चा फॉर्म भरने का घर के पास में जाता है, हम लोग कॉलेज में जाते हैं जब तक कॉलेज का रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक उसको पढ़ाया जाए, फॉर्म भरने के तिथि को तब तक पढ़ाया जाए जब तक विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर दिया जाता। और उसमें एक भी गैप नहीं एग्जाम के पीछे, एग्जाम नहीं दिया गया है, गैप नहीं दिया गया है, एक से दो दिन का गैप होना चाहिए सर हर एक पेपर के पीछे में। और एक यूनिवर्सिटी का देख लीजिए सर, हर एक पेपर में एक दिन दो दिन का गैप रहता है, लेकिन यहाँ के बच्चों को नहीं मिलता है गैप। चलिए नेक्स्ट और क्या है, एक दो दिन गैप बोलती है निकाल लेगा सर, आज निकाल देंगे सर, कब सुन लो क्या कहे सर भी बोलने दो, आपको क्या नहीं बताइए। देखो हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि रांची विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के छात्रों को स्नातक समस्तता का परीक्षा फॉर्म के संदर्भ में जो भी गृहांश है उसका प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर परीक्षा विभाग में दे दें, हम यदि नहीं दे पाएगा कहीं उसको मार्कशीट उसको मिलता है, यदि वो नहीं दे पाएगा तो भी हम टीआर शीट निकाल करके जो तुम कह रहे हो 75% है वो फेल है उसको हम लोग देख लेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं रामलखन कॉलेज मैथ्स में 80 बच्चा 70 बच्चा फेल है, मेरे पास भाई पूरा रिकॉर्ड है सर, हम पूरा रिकॉर्ड बता दें। वो सर तो सब काम कराने के लिए तो आपका पास अच्छुए आता है। इसके निराकरण के उपरांत ही स्नातक सेमेस्टर 5 की परीक्षा फॉर्म को भरवाने का फिर से मौका दिया जाए,
तो जो 12 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है उसको हम लोग एक सप्ताह तक एक्सटेंड कर, जो तुम कह रहे हो आप लोग मरवाही कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा ना आज, आज विश्वविद्यालय का जितना कॉलेज का रिजल्ट कल कल निकलेगा, आज निकाल देते मरवाही कॉलेज का, लेकिन तुम आज बुला लिए इसमें हो सकता है कि कल निकले, कोशिश करेंगे कि आज निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसी के अनुसार सेमेस्टर 5 की परीक्षा आयोजित की जाएगी 28 मार्च से, ठीक 28 मार्च से। यूपी में नहीं ना 70% जो बच्चा लोग फेल किया उसके लिए क्या क्या कर रही है विश्वविद्यालय, 75-80% जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं इस विषय में 75% मरवाही कॉलेज में, अंग्रेजी में 75% फेल है, हल्ला में कॉलेज में सबसे लास्ट में है, अपना टीआर से मिला देंगे ना भैया, हम लोग का समर्थन कर रहे हैं, बच्ची बड़ी कुछ बोलना चाह रही सर, इसका मतलब है कि आपका जो मिड सेमेस्टर का मार्क्स होगा कॉलेज का वो अपलोड ही नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हम लोगों को कौन कॉलेज में आप कॉलेज चल रही है वहाँ बोले मिड सेम का रिजल्ट भेजे हो जाएगा, उनका नंबर नंबर नहीं होगा तो करवा कल तुम फोन करना ना इनका नंबर सर आओ आ जाओ।